If we talk about the feminist theory about the social order, we must need to understand this very basic thought that this is a part of conflict theory or conflict structuralism. ठीक है, conflict approach का मतलब क्या होता है? They are against the existing social order, यानी कि ये लोग against होंगे, against the existing social order, यानी कि जो society में system चल रहा है, ठीक है, यानी कि society के existing social order को ये लोग oppose करेंगे, ठीक है. उसके साथ साथ चूंकि conflict theory है, तो वो against होगी किस चीज़ के बेटा? वो होगी अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस आल्सो. अगर मैं इस चीज के रीजनिंग की बात करूं, तो इस चीज की रीजनिंग क्या होती है? कह रहे हैं ये लोग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर होते हैं और अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बिकॉज इनके नजदीक जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और सोशल ऑर्डर है, जो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, ये चीज प्रमोट करती है किस चीज को? प्रमोट करती है ये चीजें किस चीज को? ये दे प्रमोट, बिकॉज दे प्रमोट जेंडर इनइक्वालिटी. यानी कि ये चीज जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है. इस वजह से अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट थ्योरी दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. वो इन दोनों चीजों को अपोज करते हैं. ठीक है जी, अब मैं अगर इस बात को थोड़ा सा और फर्दर लेवल पे आगे लेके चलता हूं, तो हमें क्या बात समझ में आती है कि फेमिनिज्म जो है एक्चुअल में अगेंस्ट है जेंडर इनइक्वालिटी के. अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है? जैसे मार्क्सिज्म में कैपिटलिज्म आता है, इसमें आती है पेट्रियार्की. सही है, पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, दे आर अगेंस्ट द पेट्रियार्की. पेट्रियार्की स्टैंड्स फॉर व्हाट? बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी के मेल डोमिनेंसी विद इन द सोसाइटी. यानी के सोसाइटी के अंदर इनको लगता है कि मेल डोमिनेंसी है, समझ रहे हैं? अब उनको लगता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ऑल दी सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑल दी सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट पेट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी. यानी के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? पेट्रियार्की को प्रमोट करते हैं और जेंडर इनइक्वालिटी. देखो, याद रखो, इनइक्वालिटी जो स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है डिस्क्रिमिनेशन से या सेग्रीगेशन से या डिफरेंशिएशन से. अगर मैं दो लोगों को या दो चीजों को डिफरेंशिएटेड लेवल पर ट्रीट करूंगा, सही है भाई, मैं कहूंगा ये नॉर्मल, ये एप्पल पेंसिल है और ये पेन है किस चीज का? नॉर्मल डॉलर का. मैंने दोनों को डिफरेंट लेवल पर ट्रीट किया, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये डिजिटल पेंसिल है और ये नॉर्मल पेंसिल है. जब मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, पहले तो मैं दोनों को अलग अलग करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा भाई ये डिजिटल पेंसिल ज्यादा महंगी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ये डिफिकल्टी से एक्सेसिबल होती है और ये आसानी से हो जाती है. क्या हो गया? इनइक्वालिटी डेवलप हो गई. अब मैं आपको इसका पूरा एक साइकिल समझाता हूँ, बड़ा मजे के सिनेरियो है. देखें, हम लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं तीन सोशल इंस्टीट्यूशंस की. पहला है फैमिली. क्या है बेटा? फैमिली क्या कारनामा अंजाम देती है अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट? फैमिली जेंडर्ड सोशलाइजेशन करती है. क्या करती है बेटा? जेंडर्ड, यानी के डिफरेंट सोशलाइजेशन फॉर मेन और मेल, डिफरेंट socialization and roles for males. Like males को जो ज्यादा roles assign किए जाते हैं, those are instrumental role, like economic role. छोटे बच्चे को क्या दिया जाता है? इंजीनियरिंग का सेट दिया जाता है, समझ आई बात? उसको बोला जाता है कि भाई तुमने क्या करना है, पापा की तरह ऑफिस जाओ. सही, कीज उठाएगा वो, जाएगा पापा की तरह ऑफिस.
यानी कि उसको रोल मॉडल बनाया जाता है इंस्ट्रूमेंटल रोल्स के लिए। किसके लिए रोल मॉडल बनाया जाता है? डिफरेंट सोशलाइजेशन एंड रोल्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब और फीमेल्स के लिए क्या होगा? फीमेल्स दोनों बारबी डॉल्स दिए जाएंगी, उनको क्या दी जाएंगी? खाना पकाने के सेट्स दिए जाएंगे। यानी कि क्या हो गया? सेग्रीगेशन डेवलप हो गई और सोसाइटी के अंदर फिर क्या होता है? इकोनॉमिक लेवल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। जिस चीज़ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है तो मेल रोल्स जो होते हैं वो सुपीरियर हो जाते हैं और फीमेल रोल इन्फीरियर हो जाते हैं। तो यहाँ से जेंडर्ड सोशलाइजेशन में लीड टूवर्ड्स द डिफरेंशिएटेड रोल्स एंड द डिफरेंस ऑफ द स्टेटस एंड द डिफरेंस ऑफ द, समझ में आई बात? अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं फैमिली के बाद जो दूसरी सोशल इंस्टीट्यूशन हमें इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो है हमारी क्या? एजुकेशन। अब फैमिली ने हमें डिफरेंशिएटेड लेवल के ऊपर आपको ट्रीटमेंट दी, अब एजुकेशन क्या कारनामा अंजाम देगा? एजुकेशन करेगा जेंडर्ड करिकुलम देगा, यानी के डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। यानी के लड़के ज़्यादातर इंजीनियरिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे एंड द गर्ल्स विल स्टडी अबाउट द नर्सिंग एंड मोर एक्सप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्रेसिव एजुकेशन हासिल करेंगे। एम आई राइट? इमोशनल रोल, बिकॉज एक्चुअली एजुकेशन पे जब आप पहुंचते हो तो उससे पहले आपकी जेंडर सोशलाइजेशन हो चुकी होती है फैमिली की जाने से, और वो जो डिफरेंशिएटेड आइडियाज होते हैं वो इम्पोज हो चुके होते हैं। अब वो जब चीज़ इम्पोज होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? आप वैसे ही रिएक्ट करोगे, समझ में आई बात? आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। तो ऑटोमेटिकली इन द एजुकेशन सिस्टम द मेल्स यूज टू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स एंड द फीमेल्स यूज टू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स। फिर दूसरी बात करते हैं, द थर्ड वन इज वर्क प्लेस। थर्ड वन इज वर्क प्लेस का क्या सीन है बेटा? अब डेफिनेट सी बात है, आपने ऑलरेडी डिफरेंट एजुकेशन गेन की दी हुई है मेल्स को एंड डिफरेंट एजुकेशन दी हुई है फीमेल्स को। नाउ यू नीड टू फेस द कंसिक्वेंसेज एट द वर्क प्लेस ऑल्सो। लाइक वॉट? देर इज समथिंग विच वी यूज टू कॉल हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन एट द वर्क प्लेस। And vertical segregation at the workplace. What is meant by horizontal segregation? It means there are some departments usually dominated by females. Like if you talk about the HR department, say that department is more dominated by the females because the females have studied that particular subject set. Am I right? The production department and the sales department is normally dominated by males. So different departments for males and different departments for females. Now again, whenever you are going for the differentiation, you will go, you will end up in the inequality. And then you will say that the sales department is more important, the production department is more important than HR, am I right? So whenever there is any sort of differentiation, it may result into the inequality. It may result into the inequality. Any confusion till here? So if we move forward with the vertical segregation means the upper position of the organization is normally dominated by males and the lower position of the organization is dominated by females. Like upper position stands for what? Upper position stands for the CEOs are normally males and the secretaries are normally females. And it starts from the gendered socialization. Initially, we did this thing with the in gender socialization. We are going to give them the different roles to males and females, which may result into the different curriculum in the education system. And when the males and females are studying different subjects, so it may result into what? It may result into the horizontal segregation and the vertical segregation at the workplace. Got it? Horizontal segregation means different departments are dominated by males and different departments are dominated by females. Vertical segregation means upper position of the organization is dominated by different people in the males and lower position is dominated by females. Keep one thing in your mind. As I've told you before, that the family is one of the most important agency of socialization. It starts from the family.
Am I right? So actually, the feminists used to oppose all these social institutions because these social institutions are going to result into the gender inequality. This is the core basic idea. Now we are moving forward and we are going to understand the different types of feminists. Now we are going to talk about the different types of feminists. Actually, there are different explanations of feminism. You can see in society, a lot of people used to say they are feminists and they are having differentiated opinions about the feminism. Feminism is not a single thought. Feminism is having multiple thoughts. And some of these thoughts are going to contradict with each other. अगर हम डिफरेंट टाइप्स के फेमिनिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरल फेमिनिस्ट से. ये सबसे ज़्यादा कॉमन फेमिनिज्म की फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा जिनकी वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर. एक्चुअली दीज लिबरल फेमिनिस्ट आर अगेंस्ट दी सेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेल एंड फीमेल शुड गेन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज. Against the sexual discrimination. Against the sexual discrimination. और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? They are more inclined towards gender equality. ये gender equality के rights की तरफ जाते हैं. अगर आप if you talk about any movement of feminism all around the world, you can see a lot of different views about them. And they are having differentiated views. ठीक है. Some of the views are more inclined towards what? Marxism. Towards Marxism. We used to call them Marxist feminists. क्या कहते हैं बेटा हम इनको? Marxist feminists. ठीक है. Marxist feminists, what they used to do? According to them, there is an impact of class inequality. On gender inequality. They are having these views like if male is performing the economic role, the male become the capitalist, and the female is performing the domestic laborer job, the female become domestic laborer or the proletariat. Okay, so there is must be something like the according to Marxist feminists, there is a gender inequality due to the class inequality. There is a gender inequality due to the There is a gender inequality due to the class inequality. यानी कि class inequality की वजह से gender inequality develop हो रही है. समझ में आई बात? अब वही वाली बात, differentiated roles. Differentiated role, male become economically powerful. Once the male become economically powerful, तो automatically क्या होगा? Male capitalist बन जाएगा. वो actually यहाँ पे Marxist feminism में they are talking about the impact of class inequality on gender inequality. कहते हैं कि चूंकि सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो उसका इंपैक्ट जेंडर इनइक्वालिटी में आता है. जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि प्रोलेटेरियट होते हैं जैसे प्रोलेटेरियट होते हैं वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, उनको इश्यू क्या होता है कि दे आर गेटिंग ऑप्रेस्ड एट एजुकेशन एट द वर्क प्लेस. तो वो अपनी जो एंजाइटी होती है, जो अपना जो गुस्सा होता है, वो सारा अपनी फैमिली में निकालते हैं. तो अब क्या हुआ कि एक क्लास इनइक्वालिटी में लीड टूवर्ड्स द जेंडर इनइक्वालिटी. फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, लिबरल फेमिनिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हो गए, हमारे पास थर्ड होते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट. रेडिकल फेमिनिस्ट आर मोस्टली लिसन एक्चुअली ये होते हैं अगेंस्ट द पेट्रियार्की दे आर अगेंस्ट द पेट्रियार्की एंड दे सपोर्ट मेट्रियार्की, यानी कि फीमेल डोमिनेंसी को सपोर्ट करते हैं. ये रेडिकल आइडियाज होते हैं. सही है. आप अगर आप लोग अपनी जिंदगी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फेमिनिस्ट से मिले होंगे और दे आर हैविंग डिफरेंशिएटेड आइडियाज, बहुत डिफरेंट आइडियाज. सही है. तो अब इसके अलावा ये बहुत सारे फेमिनिस्ट होते हैं हमारे पास में, कुछ एक दो को मेंशन कर देता हूं यहां पे. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस फेमिनिस्ट. क्या होते हैं बेटा?
अब ये बड़ी डिफरेंट बात करते हैं, बड़ी खतरनाक बात करते हैं, जिसके ऊपर लिबरल फेमिनिस्ट इनको अपोज भी करते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस फेमिनिस्ट कहते क्या है, दे सपोर्ट द डिफरेंट रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। वो कहते हैं कि मेल का स्पेशलाइज रोल है और फीमेल का स्पेशलाइज रोल है, ठीक है। बट जो लिबरल फेमिनिस्ट होते हैं, लिबरल फेमिनिस्ट अपोज्ड लिबरल फेमिनिस्ट अपोज देम, ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट क्यों अपोज करते हैं, बिकॉज वो डिफरेंशिएटेड रोल को सपोर्ट नहीं करना चाहते। इस फेमिनिज्म का पॉइंट ये कि देखो जैसे भाई बात सुनो, एक आप ऑपरेशन करते हो, सही है, आप ऑपरेशन करते हो, एक एनेस्थीजिया का डॉक्टर होता है, एक आपका मेन सर्जन होता है, दोनों का रोल डिफरेंट है और दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो ये वो फेमिनिज्म है जो कहता है कि दोनों का रोल डिफरेंट हो सकता है और स्पेशलाइज भी हो सकता है, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, सही है। यहां तक बात समझ में आती है, सही। लिबरल क्योंकि कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी, मेन एंड फीमेल शुड बी इक्वल एंड दे मस्ट डू इक्वल टास्क। नहीं, वो स्पेशलाइज है ना, वो इक्वल कहाँ से हुए ना, लिबरल उसको इक्वल नहीं कंसिडर करते ना भाई। देखो बात सारी है, सिंपल सी बात है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एनएससीजे वाला डॉक्टर कम पैसे लेता है, मेन सर्जन ज्यादा पैसे लेता है, तो इंपॉर्टेंट रोल और लेस इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आ जाता है। अब मैं आगे आऊंगा, मैं उसके ऊपर आगे आऊंगा। जैसे इसके अलावा ब्लैक फेमिनिस्ट होते हैं, पोस्ट फेमिनिज्म होता है, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम उसको आगे फैमिली के अंदर डिस्कस करेंगे फर्दर।